गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समंकों की कुछ विशेषताओं को बताने वाला हूँ। समंक जिसको हम यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स या फिर डाटा बोलने वाले हैं। तो पहली विशेषता है समंक तथ्यों के समूह होते हैं। स्टेटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को हम डाटा उस समय तक नहीं बोल सकते जब तक उस समंक को, जब तक उस तथ्य को, उस फैक्ट को ग्रुप के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो समंक तथ्यों के समूह होते हैं। किसी एक तथ्य को समंक नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक विद्यार्थी की लंबाई, किसी एक व्यक्ति की आय, किसी एक विद्यार्थी के द्वारा किसी सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए अंक, इनको हम यहाँ पर समंक नहीं कह सकते। इसको और अच्छे से यदि हम समझना चाहें तो मिस्टर एक्स की आय, मिस्टर एक्स की इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है। रमेश के द्वारा लेखा शास्त्र में 80 अंक प्राप्त किए गए। इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज रुपीज 50,000 पर मंथ। रमेश ऑप्टेन 80 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। इन दोनों ही केस में जो सूचनाएं हमारे सामने हैं इसे हम यहाँ पर समंक या फिर डाटा नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों ही केस में इनको एग्रीगेट मतलब किसी ग्रुप के साथ प्रेजेंट नहीं किया गया है, इसलिए हम उसकी यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। किंतु यदि हम उसको इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, जैसे मिस्टर एक्स की आय 50,000 रुपये प्रतिमाह एवं मिस्टर वाई की आय 40,000 रुपये प्रतिमाह है। इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 50,000 पर मंथ एंड इनकम ऑफ मिस्टर वाई इज 40,000 रुपीज पर मंथ। अब इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को हम यहाँ पर समंक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन तथ्यों को किसी समूह के साथ प्रेजेंट किया गया है। समूह से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को एक साथ यहाँ बताया गया है, तो हम इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। इसी प्रकार रमेश के द्वारा 80 अंक एवं सुरेश के द्वारा 90 अंक लेखा शास्त्र में प्राप्त किए गए। रमेश ऑप्टेन 80 मार्क्स एंड सुरेश ऑप्टेन 90 मार्क्स इन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो इस सूचना को, इस फैक्ट को हम यहाँ पर समंक या फिर डाटा कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आपस में तुलना की जा सकती है। तो ये पहले नंबर की हमारी विशेषता है कि जब तक किसी फैक्ट को हम यहाँ पर ग्रुप के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं, हम उसको यहाँ पर डाटा नहीं बोल सकते। इसी प्रकार दूसरी विशेषता हमारे सामने आती है कि समंक संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। स्टेटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। यदि किसी सूचना या किसी तथ्य को हम अंकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ही उसे समंक कहा जाएगा। इसका तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार है, किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को या किसी सूचना को यदि हम गुणों के आधार पर प्रेजेंट करते हैं, गुणात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम यहाँ पर समंक नहीं कह सकते। जैसे वह एक अच्छा बालक है, वह धनवान व्यक्ति है, इन सूचनाओं को हम यहाँ पर समंक नहीं कह सकते, क्योंकि इनको हम गुणों के रूप में, क्वालिटी के रूप में तो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि हम इसको समंक के रूप में बोलना चाहें तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स की आयु 60 वर्ष है, मिस्टर राम की इनकम 25,000 रुपीज पर मंथ है। अब इसको मैं यहाँ पर समंक बोल सकता हूँ। इसको हम यहाँ पर समंक क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि इनको हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल फैक्ट के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इसको देखने के लिए हमको फर्स्ट नंबर की जो इसकी फीचर्स है, विशेषता है, उसको भी फॉलो करना होगा। तथ्यों को हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल रूप में प्रस्तुत तो किया है, लेकिन उसको किसी ग्रुप के साथ भी प्रेजेंट करना होगा। केवल अकेला मिस्टर राम की इनकम 25,000 प्रतिमाह है, इसको हम यहाँ पर समंक तभी कह पाएंगे जब इसको किसी दूसरे के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी ग्रुप के साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स की इनकम 25,000 रुपीज पर मंथ है, मिस्टर शाम की इनकम 29,000 रुपीज पर मंथ है। अब इन दोनों ही सूचनाओं को हम यहाँ पर डाटा बोल सकते हैं, क्योंकि इनको एग्रीगेट प्रेजेंट किया गया है।